तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आपके बच्चों का आपके लिए बहुत ही जो है शानदार चीज में लेकर आए हूँ उसके बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आजकल के बच्चे जो है मार्केट से जो है गाना सुनने का सबका आप जानते हैं बहुत ज्यादा शौक होगा। आपका भी म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा शौक होगा, आपको साउंड मिल जाए, बेस मिल जाए, वार्ड बेबी को बेस पसंद है। इंडिया में तो इस तरह के जो है काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि आप वो रीड लगाते हैं और बेस बहुत ज्यादा सुनते हैं और धीरे धीरे जो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मानसिक संतुलन भी इसका इसे बिगड़ने लग जाता है और हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, सिरदर्द होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। उसी के साथ उनकी लत लग जाती है कि ज्यादा बेस में वो गाने सुने और जो बाहर की नॉइस वगैरह है वॉइस वगैरह है जो उनको कम सुनाई देने लग जाती है धीरे धीरे। उसके बाद में यदि वो जो है कम बेस का जो है साउंड भी सुनते हैं तो उनको लगता है यार इसमें बेस ही नहीं है। एक बार तो उनके सामने डीजे बजाते तो वो यही कहते यार बेस ही नहीं है, बेस ही नहीं है, बेस बढ़ा दो। इंडिया में तो चल ही ऐसे रहा है कि बेस 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 बेस, उनको बहुत ज्यादा म्यूजिक में बेस पसंद है, बेस चाहिए, बेस चाहिए, बेस चाहिए। अब आजकल के बच्चे इस तरह से जो है रीड वगैरह जो यूज लेते हैं जिसे हम ईयरफोन बोलते हैं वो ईयरफोन यूज लेते हैं, कानों में लगाते हैं, उससे कान उनके जो दुखने तो लग ही जाते हैं, पेन तो करते ही हैं, उसी के साथ साथ उनके अंदरूनी उसके स्वभाव को भी जो हमारे चिड़चिड़ा करते हैं और स्वभाव को चिड़चिड़ा करने के साथ मानसिक संतुलन खराब करते हैं और मानसिक संतुलन के साथ साथ धीरे धीरे उनके सिर में हेडेक होने लग जाता है, उनकी तबियत को खराब करता है। अब हम सोचते हैं कि अपना बोरिंगपन दूर करने के लिए बड़े लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेते हैं रीड लगा के ऐसे आराम से सो जाते हैं। अब एक्चुअली वो भी आपके लिए जो है धीरे धीरे स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देता है, वो आपको काम में मन लगाने से रोकता है, बार बार में रोकता है। लेकिन यार क्या करें, म्यूजिक हमें पसंद है, अच्छा लगता है, तो एक्चुअली अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको इसके लिए जो है ईयरफोन को त्याग देना है, सैक्रिफाइस कर देना है, उसी के साथ आपको लेकर आना है। क्या लेकर आना है वो मैं बताने आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप न्यू डेजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आने की सूचना मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों आपके ज्यादा बजट पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कई लोग कहेंगे यार मार्केट में रीड जो ईयरफोन है वो सस्ती आती है, तो मैं ज्यादा बजट पर नहीं जाऊंगा। यदि आप एक्सटर्नल बेस चाहिए, ज्यादा बेस वाला चाहिए, तो मैं आगे आपके लिए जो है एफिलिएट के इस तरह से कुछ वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको जो है महंगे महंगे बता दूं, लेकिन जो सिंपली हम ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उसके लिए हम बात करेंगे जो है ये वाला जो है मैं लेकर आया हूँ मार्केट से, जिसे हम ईयरफोन तो नहीं है जिसे हम हेडफोन बोलते हैं। एक्चुअली एक्स्ट्रा बेस जो है मात्र जो है 250 रुपए का मुझे मार्केट में पड़ा है, सोनी का ये है। काफी अच्छा बेस तो कुछ ज्यादा नहीं देता है, ठीक ठाक, ऐसे नहीं कि बेस देता नहीं है, काफी अच्छा एक्स्ट्रा बेस है वैसे तो इस पर, तो एक्स्ट्रा बेस तो देता है लेकिन आपके जो ईयर के बाहर लगता है तो आपको जो है मानसिक तनाव नहीं देता है, आपके ईयर को नहीं देता और एक प्यारी सी स्वीट सी संगीत ध्वनि उत्पन्न करता है। एक्चुअली इसकी विधा जो है एक्चुअली ये थोड़ी फिजिक्स का टॉपिक, तो आपको क्या होगा कि इस संगीत की जो है बहुत ही प्यारी सी धुन आपको सुनाई देगी और आपका जो है ईयर जो है बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे आप, और बिल्कुल आपके जो है मानसिक तनाव को कोई इफेक्ट नहीं डालेगी क्योंकि इसके अंदर फिल्टर पॉइंट्स लगे हुए हैं। एक्चुअली आप इसकी जो है क्वालिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अच्छी तरह से, यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होगा कि फिल्टर पॉइंट्स लगे हुए हैं जो कि आपके फिल्टर करके वॉइस देता है, बिल्कुल फिल्टर करके वॉइस देता है, और सर्दियों में तो यार सर्दी भी नहीं लगती, इससे बहुत ही अच्छा काम है। उसके साथ साथ आप गाने तो सुन ही सकती हो और गाने सुनने के साथ साथ एक्चुअली हेडफोन किस तरह से वर्क करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इसको 250 रुपए के ज्यादा तो क्या आएगा इसके अंदर, बस ये एक है और इस तरह की देखिए ये दिखती है, और उसके बाद में क्या करता है कि इस तरह के मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं सोनी का हेडफोन है, देखिए कितना प्यारा जो है दिख रहा है अच्छे से आप देखोगे ना, और उसके बाद में हम इसे सिंपली जो है इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से देखिए सुन सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से लगा सकते हैं, देखिए सर्दी वगैरह भी नहीं लगी। यदि आपके जो है माथा सिर हेड जो भी है थोड़ा लंबा है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं और इसको भी जो है इस तरह से करके निकाल सकते हैं, इस तरह से लंबा कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये आजकल की फैशन भी बन सकती है, तो इस तरह से कई लोग इसे इस तरह से डालना भी जो है काफी पसंद करते हैं, पता नहीं कैसा लग रहा होगा। और इस तरह से जो है आप जब भी इसे यूज करोगे, अब एक्चुअली इसे आप बात भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ देखिए कई लोगों की आदत होती है रीड लगा के बात करने की, मतलब ईयरफोन लगा के बात करने की, तो वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो यहाँ से इसका मायका है, तो सिंपली हम जो है लो बजट के अंदर अपना जो है
तबीयत जो है हमारी सही रख सकते हैं, हमारी हेल्थ को बचा सकते हैं। सिंपली देखिए इस तरह से आप इसे लगाओगे और जब इसका बेस आप सुनोगे तो बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग आवाज में आएगा और मतलब बिल्कुल संगीत ध्वनि के अंदर आपको देगा और ज्यादा बेस उपलब्ध न कराकर एक मधुर ध्वनि आपको देगा और आपको सुनने में काफी अच्छी लगेगी और आपकी तबीयत के लिए बिल्कुल सही रहेगी, हेल्थ के लिए, और आपको बोर नहीं करेगी, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपके सिर को जो है पेन करने से बचाएगी, हेडेक होने से बचाएगी, सिर दर्द होने से बचाएगी। तो दोस्तों यह आपकी जो हेल्थ के लिए काफी, बच्चों को मैंने देखा है आजकल के जो है रीड यूज करने लग जाते हैं, एयरफोन यूज करने लग जाते हैं, काफी बच्चे आ रहे हैं जो कि जो है ईयरफोन का सीधा यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आप अपने बच्चों को बचाइए, यदि उनको पसंद है तो इस तरह के लाकर दीजिए, ज्यादा रुपए नहीं है, 250 रुपए कोई ज्यादा नहीं होती आपके बच्चों की हेल्थ के आगे, वरना बीमारियों में लगाते रहो फिर। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।